फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रोनाउंस की, जिसपे लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो आज मैं प्रोनाउन का सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रही हूँ, पजेसिव प्रोनाउन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन की तरफ। देखिए, ये आपने आई वी यू ही शी इट दे पढ़ लिया था, ये थी प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट फॉर्म, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। जो सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह जब हम नाउन को रिप्लेस करते थे पर्सनल प्रोनाउन में, सब्जेक्ट की जगह हम इस फॉर्म का यूज करते थे और ये फॉर्म थी हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जब भी हम किसी ऐसे नाउन को यूज करते थे जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज है, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते थे। तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर एक और चीज लिखी है, आई मी, और इसका हो जाता है माई, वी अस आर, यू यू योर, ही हिम हिज, शी हर हर, इट इट इट्स, दे देम देयर। तो इसको आप समझ रहे हो, ये हो गया हमारा ऑफ कोर्स पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन नहीं, ये पजेसिव तो है लेकिन प्रोनाउन नहीं, ये है हमारा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और आई थिंक कुछ लोगों को, आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता होगा, हम हमेशा ऐसे लर्न करते हैं आई मी माई वी अस अवर दे देम देयर, तो यही इसके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नहीं, ये होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये ध्यान से आप देखिए। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, आई मी माइन, इसका हो जाएगा आर्स, इसका हो जाएगा योर्स, इसका हिजी रहेगा, इसका हो जाएगा हर्स, इट्स का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और इसका हो जाएगा देयर्स। तो ये तो बता दिया, अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा दोनों में एक तो क्या डिफरेंस है, और हम इसको पजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं कहते। अभी तक तो शायद आप लोग कुछ समझते भी आए होंगे, इसको पज दिए होते हैं हमारे एग्जेक्टिव, नॉट प्रोनाउन। तो इसका पहले मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए, दिस इज माई पेन। अब आप बोलोगे इसमें माई तो मैं बोलूंगी पजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं। देखिए, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन को रिप्लेस करे। वही प्रोनाउन हो सकते हैं केवल जो नाउन को रिप्लेस करे, बाकी वो किसी और चीज को रिप्लेस करे वो कभी प्रोनाउन नहीं होते, ठीक है, जो सब नाउन को। अब मैं बोल रही हूं दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, पेन इसमें प्रोनाउन, क्या ये किसी भी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। मैंने यहां क्वेश्चन पूछा, सपोज इसका हूज पेन इज दिस, whose pen is this, this is my pen, तो ये किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि ये पेन की विशेषता बता रहा है कि ये मेरा पेन है। किसका पेन है, मेरा पेन है, माई पेन। तो ये आपके हो गए पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब मैंने इसी को ऐसे लिखा, दिस पेन इज माइन या दिस इज माइन, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा whose pen is this, अब मैं इसको पजेसिव एडजेक्टिव, मुझे तो प्रोनाउन पता है, पजेसिव मैंने पढ़ लिया, तो मैं प्रोनाउन की फॉर्म भी आंसर दूंगी दिस पेन इज माइन। अब आप कहोगे यहां पर कौन सा नाउन रिप्लेस हो रहा है, हो रहा है दिस पेन इज माइन का मतलब है जो मैंने माइन यूज किया है ना, ये पेन मेरा है, इसका मतलब है माई पेन, यानी कि मैंने पूरा का पूरा ये वाला जो नाउन है ये पेन वाला रिप्लेस कर दिया। दिस इज माई पेन, माइन का मतलब है माई पेन, या तो माई पेन ना लिखकर मैंने लिख दिया माई, केवल प्रोनाउन लिख दिया, तो मुझे यहाँ पेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और पेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब नाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज किया, तो नाउन को हटा के हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। या फिर और छोटा करने के लिए आप लिख सकते हैं दिस इज माइन, मतलब हूज पेन इज दिस, तो ऑब्वियसली पेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाकी बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है पेन, दिस इज माइन, यह मेरा है, यानी कि हमने पेन को रिप्लेस कर दिया माइन से, तो माइन क्या हो गया, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पेन को रिप्लेस कर रहा है, एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इसलिए पजेसिव प्रोनाउन हमारे ये होते हैं, ये वाले, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं ये मेरे, ये उसका पेन है, हूज पेन इज दिस, उसका है, तो केवल हम इतना लिख के छोड़ देंगे दिस वॉज हिज, पेन लिखने की
जरूरत नहीं है। इस क्या हो गया, यह पजेसिव प्रोनाउन, यह उनका है, दिस इज देयर, दिस इज देयर्स, यानी ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पेन को रिप्लेस कर रहा है, दिस इज देयर पेन, इसको रिप्लेस करके दिस इज देयर्स। इसी तरह से हमारे होते हैं। तो देखिए, जब भी दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, आप कैसे भी आंसर दे सकते हो, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी शॉर्ट वे है करने का, जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, और डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, दिस इज माइन, बहुत ही शॉर्ट, बार बार हमें उस नाउन को बोलने की जरूरत नहीं कि कौन सी चीज। तो जब भी हम यह पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे ना, जैसे माई या पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा हमें नाउन का यूज करना पड़ेगा, नाउन स्किप नहीं हो सकता, ये डिफरेंस देखिए। और जब भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे पजेसिव, तो केवल पजेसिव प्रोनाउन ही हम यूज करेंगे, इसके साथ आप देखिए कोई भी नाउन ऐड नहीं होगा, कोई भी नाउन ऐड नहीं होगा पजेसिव प्रोनाउन के साथ, कोई भी नाउन ऐड नहीं होगा। देखिए माइन अकेला है, पेन माइन के साथ ऐड नहीं है, दिस इज माइन पेन, नहीं, उसने पूरा का पूरा पेन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और लेकिन एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आ सकता, नाउन से पहले ही आता है, क्योंकि वो उसकी विशेषता बताता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। जैसे हमें एक ही चीज बतानी है, दो पेन पड़े हुए हैं, दो में एक पास पेन है मेरे, एक दो, मैं पूछू आपको बोलना है दो पेन है, यह पेन तो मेरा है और वो पेन उसका है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। देखिए आप लिखोगे दिस पेन इज माइन, एक बार आपको बताना पड़ेगा दिस पेन इज माइन, ये माइन, एंड और दूसरा वाला तुम्हारा है, दैट इज योर्स, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड दैट पेन इज योर्स, या दैट इज योर पेन। अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पता नहीं होता तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखते, दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन, वो तुम्हारा पेन है, यह मेरा पेन। लेकिन हमें तो पजेसिव प्रोनाउन पता है, तो हम सेंटेंस को और भी शॉर्ट कर देंगे, अपने बोलने को कॉम्प्लिकेशन को और भी कम कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, दिस यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन और वो तुम्हारा। यहाँ पर ही फोर सेंटेंसेस है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन भरने हैं, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन से फिल करना है अपनी ही समझ से, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मेरे फोर सेंटेंस को नोट करिए, खुद फिल कीजिए इसमें फ्लिप करके, फिर आप चेक करिए मैं यह बताने जा रही हूँ, अपने टीचर खुद बनिए। तो देखिए देयर मील्स हैव अराइव्ड, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, वी के साथ कौन सा पर्सनल प्रोनाउन, आवर्स, हम अपना वाला का वेट कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बट वी आर वेटिंग फॉर आर मील, आर मील लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आर मील को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आर से, यानी मील को हमने रिप्लेस कर दिया पर्सनल को पजेसिव प्रोनाउन से। The house belongs to Amit and Aryan. ये हाउस किसका है, अमित और आर्यन का, इट इज देयर्स, ओके सॉरी मैंने यहाँ बाय मिस्टेक ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, इट इज देयर्स, ये उनका है, तो यह हाउस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ऑलरेडी देयर्स पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके हमने ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया देयर्स, हमें यह हाउस क्या कर रही है, उनका, उनका है, मतलब अमित और आर्यन की लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, इट इज, और फिर हम लिखते अमित और आर्यन का, लेकिन अब क्या, इट इज देयर्स, बात खत्म, सिंपल। दीज आर नॉट माय कीज, ये मेरी कीज नहीं है, पॉकेट में है, मेरी तो पॉकेट में है, तो क्या लिख सकते, माय कीज आर इन पॉकेट, लेकिन हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो माय कीज तो बड़ा हो जाएगा ना, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ माय यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव उसके साथ नाउन, हमें तो नाउन को रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, माइन, माइन इन माय, आर इन माय पॉकेट, इट इज नॉट माय फोन बिकॉज़ ये भी सेम मेरा घर। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो एक डाउट्स की बनाऊंगी, सिर्फ आज की वीडियो में ही नहीं, अब तक मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है देखिए, और अगर उनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं आपसे सेपरेट वीडियो जरूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए ज्योति एजुकेशनल सेंटर, बाय, टेक केयर, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।